श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का नीत शीर्षक में दोहा संख्या 14। तो दोहा संख्या 14 है, बुरो बुराई जो तजय तो चितु खरो डरात, ज्यो निकलंक मयंक उलख गनय लोग उत्पात। तो चितु खरो डरात, ज्यों निकलंकु मयंकुलख गनय लोग उत्पात। बुरा बुराई मतलब बुरा व्यक्ति, तजव माने छोड़ देना, चित्त माने मन, खरो डरात माने अधिक डरना, निकलंकु माने निकलना दिखाई देना, मयंक माने चंद्रमा, लख माने देखना, गणय माने गणना करना, उत्पात माने उत्पात की अनिष्ट काल की। बुरो बुराई जो तजो तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लख गणय लोग उत्पात। सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश, शुरू का लिखेंगे दो शब्द बुरो बुराई, उत्पात। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ, संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। फिर दूसरी हेडिंग देंगे प्रसंग, अब प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती
है, ठीक है। प्रसंग एक बार फिर ध्यान से सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है, ठीक है। फिर हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या ध्यान से सुनिए। बुरो बुराई जो तजो तचित खरो डरात जो निकलों मयंक लोग गणय लोग उत्पात। कवि कह रहा है कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भय, लोगों का चित्त माने मन अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का अचानक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। फिर ध्यान से सुनिए व्याख्या। कवि कह रहा है कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का अचानक दुष्टता त्यागना भी असंभव होता है, ठीक। उसके बाद हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य ध्यान से सुनिए। नंबर एक में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि चंद्रमा के निष्कलंक दिखाई देने पर उपद्रव की आशंका होने लगती है। नंबर एक में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि चंद्रमा के निष्कलंक दिखाई देने पर उपद्रव की आशंका होने लगती है। नंबर दो, इस दोहे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अच्छा व्यवहार करने दुष्ट व्यक्ति के अचानक अच्छा व्यवहार करने पर भी उससे सावधान रहना चाहिए। नंबर दो में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति के अचानक अच्छा व्यवहार करने पर भी उससे सावधान रहना चाहिए। नंबर तीन, इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर तीन में लिखेंगे कि दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर चार, इस दोहे में शांत रस है। नंबर चार में लिखेंगे कि इस दोहे में शांत रस है। नंबर पाँच, यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है या इस पद्य में दोहा छंद है। नंबर छः, इस दोहे में अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार है। नंबर छः में लिखेंगे कि इस दोहे में अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। तो यह रहा बिहारी लाल जी का नीत शीर्षक का दोहा संख्या 14, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या।
अब अगला दोहा हम लोग कल पढ़ेंगे।